हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हम सबके लिए। आइए जानते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसी एक चीज जो हमारी रसोई के अंदर भी उपलब्ध रहती है, उसे सिर्फ एक लोटे दूध के अंदर डाल देने मात्र से हमारा जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है, हमारा भाग्य उदय होने लग जाता है, धन संपदा की कमी हमारी सात पुश्तों तक नहीं होती है। तो जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी रसोई में उपलब्ध है और उसका उपयोग हमें किस तरह से करना है, जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी अपनी कृपा हमेशा हमारे घर के ऊपर बनाए हुए रखें, हमें माला माल कर दे, खरबोपति बना दे। तो जानते हैं वह एक छोटा सा उपाय। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहिए। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पुराणों में जो उपाय बताए जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपको इसमें मिलती रहती है। चलिए करते हैं उपाय को शुरू। चलिए जानते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें गाय का कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखिए साथियों, गाय का ही कच्चा दूध होना चाहिए। और लेना है हमें शुगर यानी शक्कर। हम एक लोटे में, तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, स्टील या चांदी का लोटा चलेगा। उसमें हम कच्चा दूध डालेंगे, फिर डालेंगे शुगर शक्कर, फिर चलेंगे शिव मंदिर और बड़े भाव से मन से सबसे पहले हम जिसमें हम दूध लेकर के गए हैं वह दूध, शक्कर वाला दूध हम अर्पण करेंगे शिवलिंग पर। आप किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, नमः शिवाय बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, किसी भी एक मंत्र का स्मरण सुमिरन करते हुए आप दूध चढ़ाते रहोगे और अपनी मनोकामना मन ही मन सुमिरन करते रहोगे, अपना नाम व गोत्र बोलोगे और प्रभु से विनती करोगे। हे प्रभु, माँ लक्ष्मी हमारे घर का रास्ता भूल गई है, आप उन्हें हमारे घर का रास्ता बताइए और हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास कराइए। कुबेर भंडारी से कहिए वह अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए हुए रखे। और उसके बाद दूध चढ़ाने के बाद आपको चढ़ाना है थोड़ा सा जल। बड़े मन से, श्रद्धा से, बड़े भाव से आप इन उपायों को करिए। आपको थोड़े ही दिनों में इसका प्रभाव नजर आने लग जाएगा। कुबेर भंडारी माँ लक्ष्मी उनकी कृपा आपके ऊपर बनाए हुए रखेगी। तो आप इन उपायों को जरूर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव। जय श्री कल्याण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।